निम्नलिखित प्रश्नों को गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, द्विघात सूत्र द्वारा हल करें। समीकरण दिया गया है 3x² - 10x + 3 = 0। तो इस समीकरण को एक बार गुणनखंड विधि, एक बार पूर्णवर्ग विधि, एक बार द्विघात सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला से गुणा करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला से गुणा करेंगे। तो 3x² - 3, तो 3 * 9x². तो ऐसे दो अंक से गुणा करना है कि गुणा करने पर 9x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -10x आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। तो 3 से लगाएंगे 3 * 9, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में, तो मतलब 3 * 9 * 1 करेंगे। ऐसे दो अंक हो गया, यानी 9 * 1 2 अंक है। तो 9 * 1 = 9, प्लस में 9 आ गया। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -10x। तो -9 * -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। 9 * 1 क्या हो, 9, तो मतलब -9 और -1 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 9x - x और +3 = 0। तो दोनों में क्या शामिल है, 3x शामिल है, तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस इससे निकलेगा 3। तो 3 निकल गया ना, तो इसलिए 3 बचा, तो 3 कॉमन हो जाएगा ना। तो यहाँ से 3x निकलेगा, तो 3 और x तो निकल गया ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों में क्या शामिल है, कुछ नहीं तो 1 शामिल है, 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया x माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो गया 3 = 0। एक बार और समझाते हैं, दोनों में क्या शामिल है, 3x, तो 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 3x निकला, तो यहाँ x² नहीं, तो ये वो x बच जाएगा माइनस, यहाँ से क्या 3 निकल जाएगा, तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 * 3 होता नहीं, तो 3 निकल गया, तो 3 बचा और x तो कॉमन लिया गया था। ये दोनों में क्या शामिल है, कुछ नहीं तो -1 है ना, क्योंकि दोनों में शामिल है 1, इसलिए -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बच गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है 3। दोनों में अब क्या शामिल है, x माइनस तीन शामिल है दोनों में। तो x - 3 क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ से 3x - 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया -1 = 0। तो x - 3 = 0, एक बार 3x - 1 = 0। यहाँ देखिए, तो x = 3, इधर हो जाएगा 3x - में उधर आएगा +1, तो x हो जाएगा 1/3। इसलिए कह सकते हैं अतः x = 3 और 1/3 हो गया आंसर, है ना। अब इसी प्रश्न को दिखाएंगे, गुणनखंड विधि से हो गया, अब इसे दिखाएंगे पूर्णवर्ग विधि से, पूर्णवर्ग विधि से हल करके दिखाएंगे। अब पूर्णवर्ग विधि से इसे हल करेंगे। तो पूर्णवर्ग विधि से हल करने के लिए इसे हमको यहाँ पर जो 3x² दिख रहा है ना, यहाँ पर हमको जो है केवल x² के रूप में रखना है। किस रूप में रखना है, x² के रूप में रखना है। तो क्या किया जाए कि x² केवल बचे, तो ये 3 जो है ना, 3 से क्या करेंगे, सभी में भाग दे देंगे दोनों तरफ। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, 3 से भाग देने पर, तो 3x² - 3 - 10x क्या हो जाएगा 3, प्लस 3/3 हो जाएगा, यहाँ पर 0/ क्या हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया x² - 10x / 3
प्लस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स बट्टा तीन, यहाँ प्लस में एक है इधर आएगा माइनस में एक। तो यहाँ पर जो है एक सूत्र का यूज करना है ना। तो देखिए कौन सा सूत्र का यूज करना है, यहाँ दिखाते हैं। एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का यूज करना है, इसी सूत्र का यूज करना है। तो देखिए समझते हैं, तब यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ई ए हो गया और बी, तब बी देखिए क्या होगा, ये तो दस और नीचे यहाँ पर ये मिलना चाहिए, दस एक्स बटा तीन होना चाहिए। चलिए दस एक्स तो हो जाएगा, दस एक्स तो आ जाएगा, दस गुने एक्स क्या हो जाएगा दस एक्स, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए तीन। तो यहाँ पर क्या किया जाए कि तीन यहाँ रहे, तो छः कर देना है, तो दो तीया क्या हो जाएगा छः। देखिए यहीं पर समझना है, यहाँ पर हमको दस एक्स लाना है ना, तो दस एक्स तो आ गया, लेकिन यह है क्या बी यहाँ पर दो है नहीं, तो दो को जो है हटाना है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कि तीन आना चाहिए, तो छः से भाग देंगे, दो तीया छः कट जाएगा, तो दस एक्स बटा क्या हो जाएगा तीन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये दस बटा छः क्या हो गया बी ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो दस बटा छः का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है ना। और देखिए इसमें जो है सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स बटा तीन, चलिए एक्स स्क्वायर तो हो गया माइनस दो तीया छः, दो तीया छः कट गया ने, तो दस एक्स बटा तीन, लेकिन ये आ गया एक्स्ट्रा ने है, इसको हटाने के लिए हमको विपरीत चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस दस बटा छः का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस वन। आगे देखिए तो यहाँ पर जो है सूत्र बन गया है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो किसका सूत्र होता है देखिए यहाँ पर लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए किसको माने थे एक्स को, एक्स माइनस दस बटा छः का होल स्क्वायर, इधर यहाँ देखिए माइनस वन माइनस में था तो इधर चला आया बराबर की साइड प्लस में दस बटा छः का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस दस बटा छः का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस वन, दस का स्क्वायर सौ, छः का स्क्वायर छत्तीस, एक्स माइनस दस बटा छः इसका होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा छत्तीस, छत्तीस ऊपर जाएगा तो माइनस छत्तीस, छत्तीस छत्तीस कटेगा तो सौ। यहाँ देखिए तो एक्स माइनस दस बटा छः इसका होल स्क्वायर बराबर सौ में से छत्तीस गया, तो देखिए चौंसठ कितना हो जाएगा घट करेगा चौंसठ, तो चौंसठ बटा कितना हो गया छत्तीस। अब इसको स्क्वायर को अब उस साइड भेज देते हैं बराबर के उस साइड, तो चौंसठ बटा क्या हो जाएगा छत्तीस, प्लस माइनस लगाना पड़ता है ना, स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है रूट में, लेकिन प्लस माइनस रूट अंडर चौंसठ बटा छत्तीस, तो एक्स बराबर तो माइनस में दस बटा छः है बराबर के उस साइड जाएंगे, तो प्लस में दस बटा छः प्लस माइनस चौंसठ का स्क्वायर, चौंसठ किसका वर्गमूल है, चौंसठ किसका वर्गमूल है आठ का, छत्तीस किसका वर्गमूल है छः का, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा छः, तो एक दस प्लस माइनस आठ है ना। तो यहाँ देखिए तो एक्स बराबर दस, एक बार लेंगे दस प्लस आठ बटा छः, एक बार लेंगे एक्स बराबर दस माइनस आठ बटा छः लेंगे नहीं, तो दस आठ अट्ठारह बटा छः, तो छोती अट्ठारह
ये तीन हो जाएगा इधर, इधर देखिए 10 में से 8 गया 2/6, 2 × 3 = 6 बोले तो 1/3, मतलब एक्स का मान आया 3 और 1/3 आंसर। तो देखिए किस तरह से बना है ना, इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसी सवाल को अब दिखाने वाले हैं, गुणनखंड विधि हो गया, पूर्ण वर्ग विधि हो गया, अब इसी सवाल को दिखाएंगे द्विघात सूत्र के माध्यम से। देखिए अब इसको जो है द्विघात सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, 3x² - 10x + 3 = 0। तो सबसे पहले हमको ए बी सी मालूम करना पड़ेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -10 और सी बराबर हो जाएगा 3। तो सूत्र कह रहा है द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र लिख लेंगे। द्विघात सूत्र बराबर होता है -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो -b, तो b हमारा है -10 प्लस माइनस रूट अंडर -10² - 4, a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 3, 2a, a हो जाएगा 3। तो माइनस माइनस प्लस, ये 10 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 10² = 100, 36 × 12 = 36 हो जाएगा नीचे 6। 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 में से 36 गया 64 और नीचे हो जाएगा 6। 10 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल होता है 8 और नीचे हो जाएगा 6। 10, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार 10 जो है 10 + -8/6, तो एक बार लेंगे x बराबर 10 + 8/6, एक बार लेंगे x बराबर 10 - 8/6, तो 10 × 8 होता है 18, 18/6, तो 6 × 18 हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 10 में से 8 गया 2/6, 2 × 3 = 6/3, मतलब x का वैल्यू है 3 और 1/3। इस तरह से जो है द्विघात सूत्र के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो हमने जो है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र के माध्यम से एक समीकरण को हल करके दिखाया। तो आप किसी भी समीकरण को आप हल कर सकते हैं तीनों विधि से, है ना। चलिए ठीक है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हमारे जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।